आज देखेंगे 10वीं सालगिरह के मौके पर एप्पल ने दिया 3 नए फोन्स का तोहफा। शाओमी ने भारत में उतारा अपना पहला डुअल लेंस कैमरा स्मार्टफोन MIA1। देखेंगे कितना है खास। सैमसंग नोट 8 भी हुआ भारत में लॉन्च। iPhone 8, iPhone 8 Plus और Apple का एनिवर्सरी एडिशन iPhone 10 और Apple की सीरीज 3 वॉच और एक Apple TV, ये सभी गैजेट्स इसी हफ्ते लॉन्च हुए हैं और इन सभी को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। क्या आपको ये गैजेट्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए और क्या है इनके स्पेशल फीचर्स, ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। We do have one more thing. Apple ने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 iPhones लॉन्च कर दिए हैं, iPhone 8, iPhone 8 Plus और iPhone 10। जहां एक तरफ iPhone 8 और 8 Plus पिछले iPhones के अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, वहीं iPhone 10 बिल्कुल नया और बेहतरीन फीचर्स के साथ लैस है। iPhone 10 को iPhone के 10 साल पूरे होने के मौके पर लॉन्च किया गया है। iPhone 10 में बेहद पतले किनारों के साथ मिलती है 5.8 इंच की सुपर रेटिना HD स्क्रीन यानी H2H डिस्प्ले। फोन में पहली बार OLED स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ है जिससे कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट और साफ दिखेंगे। iPhone 10 को बाकी iPhone से अलग बनाता है फेस ID का ये फीचर, यानी फोन को अनलॉक करने के लिए जरूरत होगी सिर्फ आपके चेहरे की। फोन का फ्रंट कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर और सेंसर्स की मदद से आपके चेहरे की पहचान करके फोन को अनलॉक करता है। इस फोन में होम बटन के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर को बाय बाय कह दिया गया है। फोन में iPhone 7 की तरह 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट को वर्टिकल में बदल दिया गया है। iPhone 10 का फ्रंट कैमरा फेस ID का तो काम करता ही है, साथ ही इस पर पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ सेल्फी ली जा सकेगी। इसमें दिए गए एनिमोजी फीचर से इमोजी को यूजर के एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा जा सकेगा। iPhone 10 में Apple का लेटेस्ट प्रोसेसर A11 बायोनिक दिया गया है और फोन में वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाएगी। फोन में 3GB रैम है और स्टोरेज के लिए 64GB और 256GB का विकल्प भी आपको मिलेगा। भारत में 64GB फोन की कीमत होगी 89,000 रुपए, जबकि 256GB वाला फोन 1,02,000 रुपए में आपको मिलेगा। इसकी प्री बुकिंग 27 अक्टूबर से शुरू होगी और इसकी बिक्री 3 नवंबर से होगी। iPhone 8 और 8 Plus iPhone 10 की तरह ही ग्लास बॉडी और वायरलेस चार्जिंग से लैस हैं। iPhone 8 में 12 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा है, वहीं 8 Plus में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिला है। iPhone 8 आपको 64,000 जबकि 8 Plus 73,000 रुपए में मिल जाएगा। भारत में दोनों फोन्स की प्री बुकिंग 22 सितंबर से शुरू होगी, जबकि बिक्री 29 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 3 नए iPhones के साथ Apple Watch Series 3 और Apple TV 4K भी लॉन्च किया गया। Apple Watch 3 की खासियत है कि इसे अब iPhone से कनेक्ट करना जरूरी नहीं होगा। फोन पर इंडिपेंडेंट सेलुलर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यानी आप सिर्फ वॉच से ही कॉलिंग, मैसेजिंग जैसे काम कर सकेंगे। Apple TV 4K पर 4K HDR कंटेंट देखा जा सकेगा। Apple Watch 3 की कीमत $329 से शुरू हो जाएगी, जबकि नए 4K TV के लिए $179 आपको चुकाने होंगे। iPhone 8 और iPhone 8 Plus के साथ जो iPhone 10 लॉन्च हुआ है, वो मोस्ट अवेटेड फोन कई रीजंस के लिए है, क्योंकि इसका वेट लोग एक साल से ज़्यादा समय तक कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जब iPhone 7 और 7 Plus लॉन्च हुआ था, तभी कई लोग कंसिडर कर रहे थे कि क्या इस फ़ोन को खरीदे या फिर Apple के एनिवर्सरी एडिशन वाले फ़ोन को ख़रीदा जाए। तो आज मेरे साथ मेरे कुछ कोलीग्स हैं, कुछ तो आईफोन यूज़र्स हैं ही, लेकिन कुछ यू नो एप्पल के इस एनिवर्सरी एडिशन का इंतज़ार कर रहे थे टू कन्वर्ट themselves to iPhone। तो उनसे जानते हैं इंडिविजुअली उन्हें कौन से फीचर्स इस नए फोन के पसंद आए। तो स्तुति, तुम्हें कौन सा फीचर पसंद आया? ओके, सो मैं ऑलरेडी iPhone यूज़ करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर जो लगा, दैट इज़ दी वायरलेस चार्जिंग। आई एम वेटिंग फॉर दैट वायरलेस चार्जर टू कम, विच इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर आई गेस, बट
उसी एक रीजन की वजह से मैं आईफोन 10 पे अपग्रेड करने की सोच रही हूँ। वायरलेस चार्जिंग जो बिल्कुल आप किसी भी सॉकेट को कनेक्ट किए बगैर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट लिबरेटिंग। और कई ऐसी चीज़ें हैं, एच टू एच डिस्प्ले जिसे मैंने मेंशन किया था, सो व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक अबाउट एच टू एच डिस्प्ले? आई ऑलरेडी यूज़ एन आईफोन, तो मुझे एच टू एच डिस्प्ले बहुत पसंद है क्योंकि ये होम बटन नहीं रहेगा। और बहुत सारे पहले कंपनीज भी है जैसे सैमसंग जिसको जिन्होंने एच टू एच डिस्प्ले किया है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, होम बटन नहीं रहेगा और सिंगल टैप पर आप अपनी स्क्रीन को अवेकन कर सकते हैं, मतलब वो होम बटन प्रेस करके स्क्रीन को वेकअप करने की जरूरत नहीं है, सो दैट्स लाइक अ ग्रेट फीचर। ऑगमेंटेड रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो यूजर्स के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है, बहुत एंगेजिंग फीचर है, इट्स समथिंग दैट एप्पल हैज डन वेरी गुड अबाउट। सो यू नो पिछले कई दिनों से एआर वीआर की बातें चल रही है, कई यू नो बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी फोरम्स में भी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बातें हो रही है, और पिछले आईफोन के साथ ही एप्पल ने ये डायरेक्शन दी थी कि यू नो हम लोग एआर वीआर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार सॉलिड बहुत ही प्रोमिनेंट कदम उठाए हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ, चाहे वो फेशियल डिटेक्शन वाला फीचर भी हो, फेस आईडी जो भी हो, जो फेस के स्ट्रक्चर को देखकर फोन ओपन करने की काबिलियत रखता है। तो नेहा को आई थिंक वो फेस आईडी वाला फीचर बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग आईफोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हर बार फोन उठा के एक पोजीशन में रख के आपको अपना थंब या फिर इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो हर समय कन्वीनियंट नहीं होता था। एग्जैक्टली, लेकिन अब फेशियल आइडेंटिफिकेशन की वजह से फ्रीडम बहुत हो गई है, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस कैची फीचर्स। कई बार फॉर एग्जांपल यू नो आईफोन 7 प्लस जो है, जो स्तुति का फोन मैं अभी दिखा रही हूँ, तो उसमें फ्रंट फिंगर सेंसर दिया गया था, तो कई बार हमें यू नो फोन को ऐसे पकड़ने की आदत है तो वो अपने हाथ में ही फोन को एडजस्ट करना पड़ता था खोलने के लिए, सो बहुत बार हम काम में बिजी होते हैं तो इट्स इजी टू ओपन द फोन लाइक दिस। ब्यूटीफुल इमेजेस जो आईफोन से आप खींच सकते हैं, दैट हैज ऑलवेज बीन एन आईफोन स्पेशलिटी, लेकिन इसमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ ड्यूल कैमरास दिए गए हैं, एंड यू नो It's an amazing feature, we know that. It totally is. So, मैं अभी तक Apple का फोन नहीं यूज़ कर रहा था, but then I was actually waiting कि ये एनिवर्सरी एडिशन बाहर आएगा. So, now that it's out in the market, the most prominent feature जो मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है वो basically ये है कि इसके it has both the cameras front and back, and both the cameras are dual lens cameras. Another great thing about it is जो selfie camera है, जो front camera इसका है, basically that is of 7 megapixels. So it's not about कि अब आप जो normal pictures लेंगे, but आप अपनी अगर खुद की selfies भी लेंगे, so वो बहुत ही और अच्छी आएंगी than any other pictures that you आप लोगों ने अपने किसी और phone से अगर click करी होंगी तो. So front and back cameras both are exceptional in this particular model. The back camera is 12 megapixels ka hai, again not to mention it's dual lens camera again, so aap selfies lo ya any other pictures lo, wo pictures bahut hi aur achhi aane wali hai, so this is a ye ek one of those feature hai jiske liye I was actually waiting forward to looking forward to ki ye jaldi se jaldi aaye and I can start using it. Iski battery life 2 ghante zyada aur rahegi to main bahut khush hu, because charging and ye bahut badi problem hoti hai when you are traveling and all, so I'm very happy. कंपनी का कहना है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 hours मोर देन योर आईफोन 7 प्लस, विच इज़ लाइक अ ग्रेट ग्रेट फीचर। अगर आप स्मार्टफोन के बहुत ज़्यादा दिन में आप हाई एंड ऐप्स इस्तेमाल करते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं अपने फ़ोन पर, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट फीचर। कई दूसरे अलग अलग फीचर्स इस आईफोन 10 में दिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार आईफोन में OLED डिस्प्ले दिया गया है, आईफोन 10 में है वो खासकर, और साथ ही ब्लूटूथ 5.0 जिसकी शुरुआत हमने देखी कि पहला ब्लूटूथ 5.0 सैमसंग गैलेक्सी S8 में था, जिससे आपका ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ये सभी फीचर्स इस फोन में पैक्ड है। टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भावना से जानेंगे क्या खास है Xiaomi के MIA1 में। हम सभी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कब Xiaomi अपना फ्लैगशिप डुअल कैमरा स्मार्टफोन MI5X इंडिया में लेकर आएगा। आखिरकार Xiaomi ने फ़ोन लॉन्च कर दिया है, लेकिन MI5X नहीं बल्कि MIA1। तो कैसा है ये फ़ोन, इसे लिया जाए या नहीं, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस पर।
Xiaomi Mi A1 में 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जिसे स्क्रैच से बचाने के लिए Corning Gorilla Glass की परत चढ़ाई गई है। मेटल यूनिबॉडी वाला ये फोन 12 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप से लेस है। सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Mi A1 में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 2GHz का ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए एड्रीनो 506 GPU दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फोन में मिलता है एंड्रॉइड 7.1.2 नूगा आउट ऑफ द बॉक्स। Mi A1 में 3080 mAh की बैटरी दी गई है और इस फोन की कीमत है 14,999 रुपए। Mi A1 Xiaomi का इंडिया में आने वाला पहला डुअल कैमरा स्मार्टफोन है। इसमें iPhone 7 की तरह ही 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, यानी कि आप इस फोन से फोटोज पर बोके इफेक्ट तो देख ही सकते हैं, साथ ही 2x ऑप्टिकल जूम की मदद से जो दूर के सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं उनकी फोटोज बिना उसके करीब जाए या फिर फोटो क्वालिटी को खराब किए अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। Mi A1 का रियर कैमरा फोन की खासियत है और हो भी क्यों ना, कंपनी ने कैमरा परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने में काफी मेहनत की है और इसका नतीजा आपको फोटो क्लिक करने पर साफ पता लगता है। कैमरा कलर्स को अच्छी तरह कैप्चर करता है जिससे फोटोज क्रिस्प आती हैं। स्टीरियो मोड सिलेक्ट कर फोटो पर बोके इफेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन एक अच्छी पोर्ट्रेट के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करते वक्त कैमरा कई सारी कंडीशंस रखता है, जैसे ऑब्जेक्ट 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर ही हो या लाइटिंग कम ना हो। ऐसे में आपको इस मोड में बड़े ध्यान से फोटोज लेनी पड़ती हैं। लेकिन कैमरा का 2x जूम आपको अच्छे क्वालिटी के फोटोज देता है। कम रोशनी में कैमरा की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बाकी Xiaomi फोन्स की तरह ही Mi A1 में भी फिल्टर, पैनोरामा, मैनुअल और ग्रुप सेल्फी जैसे मोड मौजूद हैं। Xiaomi ने जितनी मेहनत फोन के रियर कैमरा पर की है उतने इसके फ्रंट कैमरा पर नहीं की है। जो सेल्फीज है उन पर एक ग्रे टोन आता है और एक वॉश्ड आउट इफेक्ट आपको फोटोज में मिलता है जो मुझे पसंद नहीं आया। Mi A1 से 4K और फुल HD वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाते समय फोन को फोकस करने में थोड़ा वक्त लगता है। Mi A1 का रियर कैमरा उठा हुआ है जिससे फोन को नीचे रखने पर कैमरा पर स्क्रैच लगने का डर रहता है। इसे बचने के लिए आप फोन पर कवर लगाए रखें तो बेहतर होगा। चलिए फोन के कैमरा के बाद चलते हैं फोन के डिस्प्ले पर। फोन का फुल HD डिस्प्ले शानदार है, इसलिए फोन पर मूवीज और वीडियोस देखना काफी मजेदार है। फोन दिखने में भी बेहद सुंदर है। फोन की मेटल यूनिबॉडी, मैट बैक पैनल और स्लीकनेस फोन के लुक्स को इम्प्रेसिव बनाती है। फोन का वजन भी सिर्फ 165 ग्राम है तो इसे हैंडल करने में परेशानी नहीं होती। Xiaomi ने A1 के लुक्स में थोड़ा सा चेंज किया है और वो चेंज है इसके अपर और लोअर बेजल्स। इन्हें बाकी Xiaomi फोन्स के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया गया है जिससे आपको इस फोन पर स्क्रीन टू बॉडी जो रेशियो है वो थोड़ा कम मिलता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन अगर इसे पहले की तरह ही रखा जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इसके बावजूद Mi A1 लुक्स के मामले में अच्छे नंबरों के साथ पास होता है। अब चलते हैं फोन की परफॉर्मेंस की तरफ। फोन में रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया गया है। स्नैपड्रैगन 625 की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह ही काफी स्मूथ है। यही वजह है कि ज्यादातर मिड रेंज बजट फोन्स इस प्रोसेसर को चुनते हैं। Mi A1 पर आप चाहे मल्टी विंडो में काम करें या फिर क्रोम पर कई टैब्स पर ब्राउजिंग, फोन काफी आसानी से सारे काम हैंडल कर लेता है। लेकिन जब गेमिंग की बात आती है तो ये फोन इतना स्मूथली काम नहीं कर पाता। नॉर्मल गेमिंग में तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन अगर आप Asphalt 8 एयरबॉर्न या मॉडर्न कॉम्बैट 5 जैसे गेम खेल रहे हैं तो कभी कभी गेम लैग होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं है, लेकिन नोटिस जरूर होता है। Xiaomi ने Mi A1 के साथ एक बड़ा चेंज किया है और वो है Android 1 के साथ कोलैबोरेशन। Android 1 स्मार्टफोन की वो रेंज है जिसमें आपको कम कीमत वाले फोन पर भी लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। Xiaomi के इस कोलैबोरेशन का मतलब है कि आपको Mi A1 पर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। Mi A1 एंड्रॉयड 7.1.2 पर काम करता है, लेकिन Xiaomi ने इस फोन के लिए Mi UI को कह दिया है बाय बाय। ये खबर स्टॉक एंड्रॉयड फैंस के लिए तो अच्छी है, लेकिन Xiaomi के चाहने वाले को शायद ये पसंद ना आए। Mi UI पर काम करने का अपना ही मजा था और ये Xiaomi फोन्स को बाकी फोन से अलग भी बनाता था। हालांकि UI ना होने से फोन की परफॉर्मेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
एंड्रॉइड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए रखने के लिए Xiaomi ने साल के अंत तक MI A1 पर एंड्रॉइड ओरियो अपडेट लाने का भी वादा किया है। लेकिन Xiaomi ने MI A1 की बैटरी में कटौती की है और इसे Redmi Note 4 की 4000 mAh की बैटरी के मुकाबले घटा दिया है। फोन में टाइप सी पोर्ट तो है लेकिन ये क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं करता। फोन को फुल चार्ज होने में करीब 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के चलते ये फोन 7 से 8 घंटे तक आपका साथ दे देगा। फोन के रियर पर दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर काफी एक्यूरेट है, लेकिन ज्यादा स्नैपी नहीं है। सेंसर फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज तो कर लेता है, लेकिन डिस्प्ले ऑन होने में थोड़ा वक्त लगता है। फोन की ऑडियो क्वालिटी दमदार है, चाहे आप फोन पर बात कर रहे हो या थोड़े शोरगुल में वीडियो देख रहे हो, आपको आवाज साफ सुनाई देती है। और इसका श्रेय जाता है फोन में मौजूद 10 वॉट के इनबिल्ट एम्पलीफायर को। इस डुअल सिम फोन में Xiaomi ने आयर ब्लास्टर को कायम रखा है, जिससे इसे रिमोट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। कनेक्टिविटी के लिए फोन में USB 2.0, Bluetooth 4.2 और Wi-Fi मौजूद है। तो Xiaomi MI A1 को ओवरऑल इवेलुएट करें तो इस फोन में आपको इफिशियंट प्रोसेसर, रैम और मेमोरी का अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छे लुक्स और एक अबव एवरेज कैमरा मिलता है। इस फोन में बहुत सारे वाव फैक्टर्स तो नहीं है, लेकिन ये एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल फोन है जो आपको लंबे वक्त में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इस फोन को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक समझदारी वाला ऑप्शन जरूर है। लेकिन अगर आप इसी प्राइस रेंज में दूसरे ऑप्शन भी चाहते हैं तो मोटो G5S+ या फिर K8+ और सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स भी अच्छे ऑप्शन है जो इस फोन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सैमसंग नोट 8 की अनबॉक्सिंग। सैमसंग ने अपना फ्लैगशिप गैलेक्सी नोट 8 इंडिया में लॉन्च कर दिया है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फोन में क्या क्या खास है। तो ये है गैलेक्सी नोट 8। जो हमारे पास फोन है वो है मेपल गोल्ड कलर का, लेकिन इसके अलावा एक और वेरिएंट अवेलेबल है मिडनाइट ब्लैक कलर का। लुक से शुरुआत करें तो फोन दिखने में शानदार है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्लास बॉडी है, एकदम स्टेलर लुक है और सैमसंग गैलेक्सी S8, S8 प्लस से सिमिलर है। इसका जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच का सुपर एमोलेड क्वाड HD डिस्प्ले इसमें मिलता है। S8 प्लस से बस 0.1 इंच छोटा ये डिस्प्ले है। फोन में टाइप सी पोर्ट है, क्विक चार्जिंग भी है, लेकिन जो बैटरी है वो S8 प्लस के मुकाबले थोड़ी सी घटाई गई है। इसमें 3300 mAh की बैटरी दी गई है और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर उसी लोकेशन पे दिया गया है जैसा कि S8 प्लस है, बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन पर मिलता है। इसमें नीचे की तरफ स्पीकर है, ऑडियो जैक और है एस पेन। ये पेन इस फोन पर जो आपके दूसरे काम है जो आप पुराने एस पेन से करते थे, जैसे लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो कर ही सकेंगी, लेकिन इसके अलावा आप इस पर एक स्पेशल फीचर को एक्सेस कर पाते हैं और वो है लाइव मैसेज का। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी ड्रॉ करिए या मैसेज लिखिए और वो एक GIF में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर अगर आपके जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो वॉल्यूम रॉकर बटन है वो साइड पर दिया गया है और एक और बटन इसमें जोड़ा गया है और वो है बिक्सबी बटन। इस बटन को दबाते ही आप जो सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबी है उससे बात कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस इससे मिलता है। इसके अलावा जो पावर बटन है वो साइड में दिया गया है और जो सिम ट्रे है वो ऊपर की तरफ दी गई है। अब आते हैं फ़ोन के दूसरे स्पेशल फीचर की तरफ और वो है इसका डुअल कैमरा। इसमें 12 मेगापिक्सल के दो लेंस दिए गए हैं, एक है टेलीफोटो लेंस और जो दूसरा है वो है वाइड एंगल लेंस। इससे होगा क्या कि आप लाइव फोकस यानी बोके इफेक्ट वाली पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज़ तो ले ही सकते हैं, साथ ही 2x जूम करके भी फोटोज़ ले सकते हैं, जो कि एक अच्छा आपको इसमें वेरिएंट ऑप्शन मिल रहा है जो बाकी नोट में नहीं था इससे पहले। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ़ोन के इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6GB ऑफ रैम इसमें आपको मिलता है और 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। जो इंटरनल मेमोरी है आप उसे SD कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 7.1.1 मिलता है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 835, यानी कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो आपको इस फ़ोन में मिलता है। कई सारे और भी नए चेंजेस इसमें आने वाले हैं आगे वक्त में, जैसे कि जो बिक्सबी वॉइस है जो इंडिया में आने वाली है कुछ ही वक्त में और वो आपके इंडियन एक्सेंट को भी पहचानेगी। इसके अलावा ये जो फ़ोन की कीमत है वो है 67,900 रुपीज़।
इतना ही, अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे सैमसंग नोट 8 का रिव्यू, सो स्टे कनेक्टेड।